हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मॉम्स फनवे टीचिंग। और मैं हूँ साधना। आज के वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ आपको आपको बताने जा रही हूँ कि स्वर और व्यंजन का टॉपिक आप बच्चे को कैसे समझाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ हिंदी का भी बच्चे को ज्ञान नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चे को हिंदी भी आनी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो हिंदी में आज हम वर्ण विचार यानी स्वर स्वर और व्यंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप मेरे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे जो भी नई कमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा क्या, वर्ण क्या होता है, ठीक है। वर्ण विचार हम पढ़ रहे हैं तो वर्ण जानेंगे कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना, वो कहलाता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, देखो आप इसको एक कविता से बच्चे को तैयार बता सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहचानो तुम हमको भाई, टुकड़े मेरे हो नहीं सकते, वर्ण अक्षर नाम है भाई, ठीक है। जब आप इस तरीके से अगर बच्चे को बताएंगे तो वो भूलेगा नहीं, ओके। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब हम देखेंगे स्वर क्या होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं जिनमें आपको स्वर स्वर के अंतर्गत आप बच्चे को क्या क्या पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं स्वर क्या होता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जैसे हिंदी भाषा में स्वर जो होते हैं कुल 11 स्वर होते हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ अ, ये 11 क्या है, कुल स्वर हैं। और अंग और अह जो होते हैं इनको हम बोलते हैं अयोगवाह, ठीक है ना। स्वर सिर्फ 11 ही होते हैं, अंग और अह होते हैं इनको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं, जिनमें अंग को स्पेशली हम बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है ना। ये अह का जब जब भी किसी अक्षर में इस चीज को हम लिखते हैं, जैसे क लिखा, क में अगर हम विसर्ग लगाएंगे तो इसको इसका इसका जो मतलब ध्वनि आएगी तो वो ह के नाम ह से आएगी, कह। प्रातः, जैसे प्रातः आप लिखते हैं त के बगल में जब विसर्ग लगाते हैं तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं, प्रातः, ह ह का उच्चारण आता है, ठीक है। अब देखते हैं अनुस्वार, ये हमने बताया अंग होता है जो उसको अनुस्वार बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है अंग अनुस्वार है। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है, अंग नाक से इसकी ध्वनि निकल रही है। और इसका चिन्ह किसी भी अक्षर में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे अक्षर होता है, अक्षर के ऊपर इस तरीके से डॉट बनाते हैं तो ये अनुस्वार का चिन्ह होता है, ओके। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हंस, पंखा, घंटी, अंग, इसकी आवाज कैसी आ रही, अंग अंग की आवाज आ रही थी। ये सारे इनमें किसकी मात्राएं लगी हुई हैं, अनुस्वार की मात्राएं लगी हुई हैं। ये है विसर्ग। विसर्ग में देखिए क्या होता है, विसर्ग अह जो होता है इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसको बोलने में ह की ध्वनि निकलती है, ठीक है ना, ह का उच्चारण आता है। इसका चिन्ह इस तरीके से होता है, दो डॉट किसी भी अक्षर के बगल में दो डॉट इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसको ये चिन्ह किसका होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है। इसका जो भी प्रयोग होता है ये केवल व्यंजन के बाद होता है, विसर्ग का प्रयोग हम व्यंजन के बाद ही सिर्फ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है मैंने, स्वतः, पुनः, अतः, प्रातः, फलतः, कुछ भी आप, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने यहाँ पे चार उदाहरण बताए हैं, स्वतः, पुनः, अतः, प्रातः। देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक अ के ऊपर जब चंद्र बिंदु होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक, इसे क्या कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसको बोलने के लिए नाक व मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है, ठीक है ना। इसका चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु बने, चंद्रमा बना होता है उसके ऊपर बिंदु होता है, ओके। इसके भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे शब्द होते हैं। जैसे चांद, जब हम चांद लिखते हैं च के ऊपर चांद बनाते हैं, ऊपर बिंदु बनाते हैं। हंसना, गांव, पांच, ये सब किसके उदाहरण हैं, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं।
अब कुछ होते हैं आगत स्वर। आगत स्वर कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाया चांद के ऊपर बिंदु बना दिया, वो हो गया चंद्र बिंदु। यहाँ पे चांद यहाँ सिर्फ बनता है, ऊपर बिंदु नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। यह अंग्रेजी भाषा से आया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चॉकलेट टॉफी, मुंह को थोड़ा सा गोला करके बना के बोलते हैं, तो ये होते हैं आगत स्वर। इसे इस तरीके के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, अक्षर के ऊपर चांद बना होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है, जैसे हॉल चॉकलेट बॉल मॉल, इस तरीके से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी व्यंजन में अगर अ स्वर नहीं लगाते हैं तो वो क्या होता है, आधा अक्षर होता है, आधा व्यंजन होता है। जैसे स्वर के बिना जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं, हलंत कैसे होता है, इस तरीके से नीचे अक्षर के नीचे इस तरीके से लाइन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हल चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हल चिन्ह, इसको हलंत बोलते हैं, ओके। जैसे क के नीचे अगर इस तरीके से है तो क के नीचे हलंत लगा हुआ है और इसमें अ मिला दिया तो ये पूर्ण अक्षर बन गया क, ठीक है। क क्या हो गया, व्यंजन, पूरा व्यंजन हो गया। हिंदी भाषा में व्यंजन जो होते हैं कुल 33 होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। आइए आगे भी हम लोग देखते हैं ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, जो व्यंजन और कुछ ऐसे व्यंजन जो व्यंजन के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो 33 व्यंजन देख लेते हैं, क ख ग घ अंग, च वाली लाइन पूरी होती है, ट की पूरी लाइन होती है, त की प की य की पूरी लाइन होती है, और लास्ट में जो षटकोण वाला श स ह, यहाँ तक ही सिर्फ होता है व्यंजन, ओके। उसके बाद जो और भी अक्षर होते हैं उनको दूसरी श्रेणी में रख। अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे आप ये भी देख लीजिए, ड और ढ, ड और ढ ये विशेष व्यंजन होते हैं, ये हमेशा शब्द के बीच में आएंगे या अंत में आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ड और ढ नहीं होता है, ओके। इनका प्रयोग जो होता है व्यंजन की तरह ही होता है, लेकिन इनको विशेष व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये विशेष हैं, ठीक है। जैसे सड़क घोड़ा, यहाँ पे देखिए बीच में है, यहाँ लास्ट में है, बढ़ई पढ़ना सीढ़ी, ठीक है, ये सब ड और ढ वाले व्यंजन हैं। आइए आगे भी देख लेते हैं और कैसे व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे क्ष त्र ज्ञ और श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्यों संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनको बनने में दो व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। जैसे क्ष है, इसमें आपको क और श की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये दो व्यंजनों के संयुक्त से मेल से बनते हैं। जैसे क्ष, आधा क और श मिला करके क्ष बना, तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, कक्षा। त्र, त्र में त और र की आवाज आ रही है, तो ये त और र से मिलके त्र बना है। एग्जाम्पल क्या है, पत्र। ज्ञा, ज्ञा में ज और इया, इन दो वर्णों की आवाज आती है, ज्ञा ज्ञानी, ठीक है। पहले इसको क्या पढ़ते थे, ज्ञा ही पढ़ते थे, पुराने लोगों को आप देखेंगे तो वो ज्ञा को ज्ञा नहीं बोलते हैं, ज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञा में क्या आता है, ज और इ की ध्वनि आती है, ज्ञानी। श्र, श्र में श, श और र दो वर्ण मिलके बने हैं, जैसे श्रमिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।